अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मंडे का दिन है और मैं जो व्लॉग है वो शाम से शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी डे में। अभी टाइम जो है 5:30 PM हो रहा है और यहाँ पर जो है मैं जल्दी आ गई हूँ फिर से किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। आज डिनर में स्पेशल जैसा ही डिनर होने वाला है लेकिन बहुत ही झटपट बनने वाला है। मेरे पास चिकन था तो मैं सोच रही थी कि चिकन से क्या बनाया जाए। चिकन से जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी जो है क्विक बनाना था। आज मैं चिकन टिक्का विथ ग्रीन राइस बना रही हूँ। तो ग्रीन राइस बनाने के लिए जो है मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है, एक सिनेमन स्टिक ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। आप ज़ीरा या शाही ज़ीरा दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया था। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, फिर अच्छे तरीके से सॉटे कर लिया। फिर मैंने एक कप फाइन पेस्ट बनाया था जिसमें मैंने हरी मिर्चें, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स ऐड किए थे। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से इनका फाइन पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने अनियंस में ऐड किए, इनको अच्छे तरीके से जो है इनकी भुनाई की। जितने मैंने चावल ऐड किए थे उतना ही जो है 1:2 मैंने इसमें पानी शामिल किया। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। ये जो राइस है ये मेरे अम्मी के घर में अक्सर ये राइस को बनाया जाता है और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने लगे हैं। इस तरह जब हम कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स डाल देते हैं ना, यूं ही सारा जब बच्चों के मुंह में आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह अगर हम ब्लेंड करके डालेंगे ना तो उनको पता भी नहीं लगेगा। और इसमें मैंने जो भी गर्म मसाले ऐड किए हैं जब राइस बन जाता है तो उसको मैं रिमूव भी कर देती हूँ। चावलों में जितना पानी था अब वो खुश्क हो गए हैं। अभी जो है मैं इस तरह से होल बनाकर जो है स्टीम देती हूँ। मैं अक्सर इसी तरीके से जो है दम पे छोड़ती हूँ चावल को। अगर आप चाहें तो बासमती राइस से भी इसको बना सकते हैं लेकिन मैं जो है घर में जो नॉर्मल चावल जो यूज़ होते हैं उसी में ही बनाती हूँ। डिनर ऑलमोस्ट बन चुका है। कमरे में आकर देख रही हूँ तो आयजा जो है नींदे जागे हुए हैं। आज डिनर को मैंने जो है थोड़ा सा स्पेशल बनाया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डिनर है वो मेरे आज पेरेंट्स के साथ होगा।